एक ट्रेन आ रही थी। एक बुजुर्ग बैठा था शुरू से किनारे एक सीट पे। बीच के स्टेशन पे कुछ लड़के बैठ गए, इसी इनवर यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 10-12 छात्र युवा लड़के। अब लड़के का मतलब लड़के लड़के ही जाएंगे ना, लड़के लड़के ऐसे नहीं जाएंगे। आप शांत बैठना चाहिए, लेकिन आप चुप बैठना, शांत रहना, ये तो लगता ही नहीं। मस्ती सूझी, अरे यार कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ करो। क्या करो भाई? चैन खींचो, ये जो चैन है ना, खींचो इसको। दूसरे साथी ने कहा, पता है पकड़े जाओगे, फाइन लगेगा। तो कोई बात नहीं ना, पैसे इकट्ठा करो। आपस में सब पैसे इकट्ठा कर लिए, ऐसे तैसे करके कितना इकट्ठा कर लिए, 100-100 रुपये सब इकट्ठा किए, 1200 रुपये इकट्ठा कर लिए, अब एक रख लिए। और बस अब पैसे ही इकट्ठे, जब देने के हुई तैयार हैं, एक लड़का बस पकड़ा और चेन खींच दिया। और उन्हीं में से दूसरा लड़का, फिर अच्छा चेन खींचने के पहले क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, चेन भी खींचेंगे और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो बूढ़ा बैठा है ना, बूढ़ा, इसी के नाम बता देंगे, इसने चेन खींचा है। बूढ़े ने कहा, बुजुर्ग ने कहा, भैया मुझे क्यों फंसाते हो? वो गिड़गिड़ाने लगा। जब कोई गिड़गिड़ाता है ना, तो सामने वाले का और बड़ा मजा आता है। बस चेन खींच दिए, और उन्हीं में से एक दूसरा लड़का जा करके बता दिया वहां पुलिस वालों को, वो चेन उसने खींचा है। पुलिस आ गई। अब बुजुर्ग बड़े परेशान, उन्होंने कहा, बाबा आप चेन खींचे हैं? उसने कहा कि हाँ मैं चेन खींचा हूं। क्यों चेन खींचे? ऐसा है मेरे पास 1200 रुपये थे, अभी लड़कों ने छीन लिया है, देख लो वो रख लिए हैं। अच्छा, तलाशी ली गई, अब सचमुच 1200 रुपये निकल गए। बस अब पकड़ लिए गए, अगले स्टेशन पर सब लड़कों को उतार लिए और जेल के तरफ ले गए। बुजुर्ग खिड़की तरफ से झांक कर कहा, बाय। क्या मार रहे हैं हम? क्या समझते हैं? गलत करेंगे और आनंदित होंगे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा करके ही आनंद मिलने वाला है,